ज्यादातर जो है आपको इसी पे सिखाया जाएगा। ये जो टर्बो आईडी दिख रही है उसको मैं ओपन कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये टर्बो आईडी है आपकी, ठीक है। इसी पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसी पे आपको सिखाया जाएगा। यहाँ से मैं न्यू फाइल लूंगा, यहाँ देखिए फाइल है, यहाँ से जाके न्यू फाइल लूंगा और यहाँ पर आपको वो काम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले दिक्कत ये है कि इसमें हेडर फाइल बनती है, ठीक है। प्रिंटएफ स्कैनअप में उसकी कोडिंग होती है, क्योंकि प्रिंटएफ स्कैनअप की कोडिंग जो है हेडर फाइल में लिखी जाती है, ठीक है। तो हेडर फाइल लिखा जाए न लिखा जाए इसमें बड़ा संशय रहता है स्टूडेंट्स को, और टीचर्स भी ये नहीं बताते हैं जल्दी, कहते हैं लिखना है। तो हेडर फाइल क्या है, हैश इंक्लूड, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, stdio.h, ये आपकी हेडर फाइल है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h, क्या लिखेंगे, conio.h, ठीक है। तो ये आपका कंसोल विंडो होता है, अब देखिए ये कोड विंडो है और फिर कंसोल विंडो ओपन होती है जब आउटपुट आता है तब, ठीक है। ये तो हो गया, अब यहाँ पर हम लिखते हैं void main, क्या लिखते हैं void main, आप main भी लिख सकते हैं, int main भी कई बार लिखा जाता है। void मतलब इसलिए कि void कुछ भी रिटर्न नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये void main लिख दिया हमने, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक curly braces को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया कि इंटीजर जो है, यहाँ पे इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं केवल, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया ए, दूसरा वेरिएबल बना लिया बी, तीसरा वेरिएबल बना लिया सी, तीन वेरिएबल बना लिया हमने, ठीक है। और यहाँ से टर्मिनेट, अब ये लाइन खत्म हुई, आपके कंपाइलर को ये पता चलना चाहिए कि लाइन खत्म हुई कि नहीं, तो इसके लिए टर्मिनेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन है, ये हो गया। अब आगे कई बार CLR SCR का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसमें CLR SCR भी लगाया जाता है। तो ये देखिए CLR SCR, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। हालांकि जब हम लोग कोड ब्लॉक्स पे कोड ब्लॉक्स यूज करते हैं या फिर कुछ और आईडी यूज करते हैं, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो फिर उसमें CLR SCR लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। और अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमको लिखना है प्रिंटएफ। प्रिंटएफ क्यों, क्योंकि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आएगा ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर टू नंबर्स, टू नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ मैं डायरेक्टली टू नंबर्स लिख रहा हूँ और टर्मिनेशन के लिए वही सेमी कॉलन देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे डबल डॉटेड कॉमा यूज होगा, पाइथन नहीं है, सिंगल डॉट कॉमा ना दीजिएगा, डबल डॉटेड कॉमा ही देना है, ठीक है। और मान लीजिए यूजर से एंटर कराना है तो क्या लिख देंगे, स्कैन एफ, स्कैन एफ, इस तरीके से स्कैन एफ लिखिए। और यहाँ पे अब देखिए ये परसेंट डी जो लिख रहा हूँ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये स्मॉल लेटर में ही आएगा, ठीक है। अब इंटीजर चूंकि यूज किया है तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी ही होता है, अगर फ्लोट में यूज करता तो परसेंट एफ होता, और अगर मैं लॉन्ग डबल यूज करता तो एल एफ होता। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाए गए हैं। और ये जो है ना ये एंड नहीं है, ये एड्रेस ऑफ सिंबल है, तो एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ये कर दिया हमने, और इसको बंद करके यहां से टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब क्या करना है, अब यहां पर हमको प्रिंट भी करवाना है, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, लेकिन इसे प्रिंट भी करवाना है और ये भी डिक्लेयर करना है कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको दो नंबर्स को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए आपको डिवाइड ही करना हुआ तो आप क्या करेंगे, तीसरा वेरिएबल बनाएंगे ना सी, तो यहाँ लिखेंगे सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, तो ये अपॉन बी लिख दिया और इसको भी टर्मिनेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और यहां फिर प्रिंटएफ लिख देंगे। तो ये प्रिंटएफ लिख दिया इस तरीके से, और प्रिंटएफ लिखने के बाद क्या करना है, फिर वही फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल डॉटेड कॉमा में देंगे, लिख देंगे जो हो रहा है वही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया द डिवीजन, द डिवीजन इज, अब ये लिख दिया डबल डॉटेड कॉमा क्लोज, कॉमा देंगे और यहां पे क्या देंगे, यहां पे सी में जाके ये स्टोर होगा तो ये सी दे देंगे, ठीक है। और यहाँ टर्मिनेशन दे देंगे और यहाँ पे क्या देंगे, गेट सी एच देंगे। गेट सी एच लाइक स्पीड ब्रेकर वर्क करता है, ये स्पीड ब्रेकर है। जैसे आपने स्पीड ब्रेकर देखा ना कि स्पीड ब्रेकर जहां पे होता है वहां पे गाड़ियां रुक के जाती हैं, तो वैसे ही ये वर्क करता है, ठीक है। यहाँ गेट सी एच लिख करके यहाँ से इसे बंद कर देंगे, ई जरूर दीजिएगा क्योंकि इंटीजर है ना, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को रखना बड़ा जरूरी है। तो ये द डिवीजन इज परसेंट डी जरूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो परसेंट डी मैंने लिखा है ये परसेंट डी जरूर कर दीजिएगा, द डिवीजन इज परसेंट डी, ठीक है। एक मिनट पहले चला के देख लें चल रहा है कि नहीं, परसेंट डी से कोई मतलब हमको नहीं लगता है कि है, क्योंकि ये तो डबल नेटेड कॉमा में है तो ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाएगा।
जीरो आ रहा है। हाँ तो गया, हो गया, ठीक है। हाँ परसेंट ही लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो ये परसेंट ही जरूर लगा लीजिएगा, और ये हो गया। अब जब इसको कंपाइल करना होगा तो ऑल्ट एफ नाइन से कंपाइल करेंगे और कंट्रोल एफ नाइन से इसको रन करवाएंगे। तो ये रन हो गया। अब रन होने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपको 105 में डिवाइड करना है, मान लीजिए सपोज कीजिए 3 से, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। तो ये डिवाइड कर देगा, लेकिन समस्या ये है कि जब आपको जैसे मान लीजिए आपने कंपाइल किया, अब ये कंपाइल हुआ, अब देन रन करेंगे, तो रन किया तो अब मान लीजिए कि 5 में 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ आंसर सटीक नहीं आएगा आपका। ये देखिए 2 ही आ रहा है, ठीक है, ये इंटीजर में इवेलुएट करके दे देगा। तो ये समस्या एक रहती है, जबकि पाइथन में आपने देखा था कि उसमें जो है कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस केवल परसेंट डी की जगह परसेंट एफ कर देना, यानी फ्लोट ले लेना है, ठीक है। वेरिएबल भी फ्लोट लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ फ्लोट रहेगा। देखिए अब अगर अगर मैं फिर इसको चलाता हूँ, जरा देखिए फिर से, यहाँ से अल्ट एफ नाइन करता हूँ, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 5.5 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख पाऊंगा। देखिए क्या आ जा रहा है, तुरंत आ जा रहा है डिवीजन इज जीरो, देख रहे हैं। तो 5.5 नहीं लिख सकते, तो लिखना होगा तो क्या करेंगे, लिखना होगा तो यहां से पहले इंटीजर को हटाएंगे और यहां फ्लोट करेंगे, क्या करेंगे, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट कर दिया, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे और नीचे आकर के क्या करेंगे, इसको यहां पर देखिए, ये इसको हटाइए और अब यहाँ पे परसेंट एफ कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ भी परसेंट एफ कर दीजिए, दोनों में परसेंट एफ कर दिया, ठीक है। और बाकी यहाँ नीचे जो परसेंट डी किया है, यहाँ पर भी परसेंट एफ कर देंगे, ठीक है। बस यही करना है आपको, बस बाकी डिवीजन जो है आपका पॉइंट में भी आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से पहले अल्ट एफ नाइन कंपाइल करवाने के लिए, पहले तो सेव करेंगे इसको एफ टू करके, और फिर अल्ट एफ नाइन करेंगे, फिर कंट्रोल एफ नाइन करेंगे, अब ये रन हो गया। अब मान लीजिए कि 3 में 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पॉइंट में इवेल्युएट करके देगा, तो 1.50 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ और करना है, जैसे मान लीजिए कि अल्ट एफ नाइन करना है, और फिर यहां से मैं इसको ये रन भी करा देता हूं। अब मान लीजिए कि 67 में 5 से डिवाइड करना है, देखिए रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉइंट में आ जाएगा, जबकि पाइथन में क्या कहानी थी, पाइथन में दिखा देता हूँ क्या कहानी। यहाँ पे सीधा लिखते हैं आप इंट, और यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, और यहाँ एंटर द फर्स्ट नंबर हो जाएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, ये बंद हो जाएगा दोनों, और फिर यहाँ पे वही बी इज इक्वल टू खाली सेकेंड नंबर कर देते हैं, चलिए हो गया। अब ये दोनों बंद कर देंगे और यहाँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे सीधा सीधा, यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं, और यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लगता है, देखिए क्या लगा रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट, वहां प्रिंट एफ लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। और यही सी प्लस प्लस की कहानी होगी, तो वहां सी इन सी आउट लगेगा, ठीक है ना। और जावा होगा तो उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगेगा, ठीक है। तो सब में अलग अलग कहानी है, ठीक है ना। करते हैं सी को प्रिंट करवा देते हैं, हो गया। एफ फाइव करिए, एंटर करिए, और यहाँ पे सेव करिए किसी भी नाम से, डॉट पी वाई लगा करके एंटर करिए। देखिए यहाँ पे आ रहा एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पहला नंबर, यहाँ दूसरा नंबर, दो करके दे देगा ये। देखिए यही कहानी डिवीजन में क्या हो जाएगी, पाइथन में, पाइथन में हमको इंटीजर में ही डिवीजन करने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए अपॉन बी कर देंगे, और यहाँ देखिए एडिशन की जगह डिवीजन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इंटीजर लिया है, लेकिन सी लैंग्वेज में क्या था, सी लैंग्वेज में हमने इंटीजर लिया था तो सिर्फ इंटीजर में ही कैलकुलेट कर रहा था, फ्लोट में नहीं आ रहा था वैल्यू, लेकिन यहाँ पे फ्लोट में भी आ जाएगा। देखिए ये हो गया, बस हम फ्लोट में एंटर नहीं कर सकते हैं, बाकी सब काम फ्लोट में हो जाएगा इसमें। देखिए ये हो गया, फाइव किया, एंटर किया, ये आ गया पहला नंबर, 5 है, 2 से डिवाइड करना है, देखिए रिजल्ट पॉइंट में आ रहा है कि नहीं, आ जा रहा है ना। तो ये जो है फायदा है पाइथन में, और यही जावा होगा तो वहां पे आपको क्या लिखना रहेगा, प्रिंट एफ, सी लैंग्वेज में सी इन सी आउट का कॉन्सेप्ट होता है, इसे सी इन लिखते हैं और सी आउट लिखते हैं, तो ये जो है सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। और जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे, और पाइथन में आपने प्रिंट देखा ही देखा है, ठीक है ना। तो बस यही है। अब इसमें देखिए जो सी लैंग्वेज है, मैंने कहा था ये देखिए यहाँ पे यार, चलो ऐसे ही करते हैं। ये सी लैंग्वेज में हेडर फाइल अगर मैं हटा देता हूं तो क्या होगा, हटा के देखा है हेडर फाइल, हेडर फाइल में प्रिंटएफ स्कैनअप की कोडिंग होती है, तो आपने यहाँ प्रिंटएफ स्कैनअप भी लिख रखा है हमने, देखिए लिखा है ना।
तो हटा दे तो क्या होगा, नहीं चलेगा ये कोड, नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है, जिसे आंसी कहते हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मानक तय किया है, उन्होंने ये कहा है कि आपको हेडर फाइल जरूर लिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिखते हैं, ऐसे में कोई एरर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या कोई शायद एरर आ जाए, तो इसको हटा देते हैं, हटा दें, हेडर फाइल हटा रहा हूं, ठीक है, हटा दिया, हटा दिया। अभी इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, यहां से भी जाके सेव कर सकते हैं आप, ये जाकर के यहां से सेव कर सकते हैं। तो ये सेव कर लिया, अब कंपाइल एंड रन करवाते हैं। तो यहां से कंपाइल करवा लिया, सक्सेस हो गया, और यहां से रन करवा लेते हैं हम, ये रन का है, यहां से भी जाके आप रन करवा सकते हैं। तो देखिए एंटर टू नंबर आ रहा है, तो पहला नंबर क्या एंटर किया, 8 एंटर कर लेते हैं मान लीजिए, और दूसरा नंबर 4 ले लेते हैं। तो यहां पे डिवीजन आ रहा है, आ रहा है ना, अभी भी तो काम कर रहा है, हमने हेडर फाइल हटा दिया तो भी तो काम कर रहा है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, जैसे ये जो आउटपुट आया इसको यहां से एंटर कर देता हूं, ये क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, फिर अब देखिए हेडर फाइल नहीं है इसमें, लेकिन फिर अगर मैं चला देता हूं तो फिर ये चलेगा, फिर कंपाइल रन होगा। देखिए कंपाइल हो गया, अब रन भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कंपाइल और रन दोनों हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस बार 7 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो कंपाइल और रन दोनों तो हो रहा है, बिना हेडर फाइल के हो रहा है, तो हेडर फाइल वाली कंफ्यूजन भी दूर रहेगी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी मैं क्या करता हूं, वॉइड मेन लिखता हूं। अब यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर हमको इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है। तो इवन ऑड के प्रोग्राम बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करता हूं, टीजर टाइप का लेता हूं। भाई इवन ऑड करेंगे तो वो तो इंटीजर में ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि इवन ऑड पता करते हैं तो 5.5 इवन है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी ना पता करते हैं। इवन ऑड रहेगा तो वो तो इंटीजर में ही रहेगा, तो ए नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब यहां पे क्या करेंगे, एंटर करवाएंगे यूजर से, ठीक है। तो पहले यहां पे लिख देते हैं एंटर नंबर, ये यहां पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा मैसेज, ठीक है। और जैसे ही मैसेज दिखाई पड़ेगा तो स्कैनअप लिख देते हैं, क्योंकि यूजर एंटर करेगा। तो यहां एक ही बार परसेंट डी लिख रहा हूं, क्योंकि इंटीजर है तो परसेंट डी, और यहां पर एक ही बार क्यों, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल लिया है, तो एक बार परसेंट डी लिख दिया। और यहां पे क्या करेंगे, हमको पता करना है कि अगर इफ, ठीक है, ए को अगर मॉड्यूलस करवा देते हैं किससे, 2 से, और रिजल्ट 0 आ जाता है, तो ऐसे में पक्की बात है कि ये तो डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया तो क्या है, यहां सीधा सीधा प्रिंट एफ लिखिए, परसेंट डी इज इवन, ठीक है, या सीधा सीधा इवन भी लिख सकते हैं यहां पे। अब यहां से हम पहले इसको सेव कर लेते हैं, ऑड इवन या किसी भी नाम से, डॉट सी फाइल का एक्सटेंशन रहेगा। अब ये सेव हो गया ऑड नाम से, ठीक है। अब यहां से कंपाइल करवा दीजिए इसको, तो कंपाइल करवाएंगे तो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा, और यहां से रन भी करवा देते हैं। तो ये रन करवा दिया, तो यहां पे एक एरर सा आपको दिख रहा है, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट, यहां पे प्रिंट एफ छूट गया है। तो अब देखिए ये जो है ऑड डॉट सी नाम से हमने सेव कर दिया, अब इसको कंपाइल करवाते हैं, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो जाएगा, और यहां से रन करवाएंगे तो ये रन भी हो जाएगा। तो यहां पर ये इस तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं एंटर अ नंबर। अब चूंकि सीएलआर एससीआर नहीं लगाया है तो पुराना आउटपुट यहां पे दिखा रहा है, तो अगर लगा देंगे तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे 7 एंटर किया तो ये बता रहा है 7 ऑड है। अब चलिए हम यहां पे सीएलआर एससीआर भी लगा देते हैं, तो यहां पे हम लगा देते हैं सीएलआर एससीआर। सीएलआर एससीआर लगाने से पुराना आउटपुट क्लियर होता रहता है, तो ये पुराना आउटपुट को क्लियर भी करेगा, तो ये सेव कर दिया। अब यहां पे करेंगे तो पुराना आउटपुट हमें नहीं दिखेगा, तो देख सकते हैं ये जो है कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब यहां से रन करवा दीजिए, तो ये रन भी करवा दिया, पुराना आउटपुट खत्म। अब यहां पे 9 एंटर करते हैं, तो 9 तो ऑड है ही है, ये तो आपको पता ही है। अब फिर इसको एक बार चलाते हैं, तो यहां पर सबसे पहले ऑल्ट एफ नाइन करते हैं, इस बार ऑल्ट एफ नाइन करके, और फिर कंट्रोल एफ नाइन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। इस बार क्या करते हैं, 5 करते हैं, तो 5 तो ऑड है, तो देख सकते हैं ऑड को ऑड और ये इवन को इवन बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमने यूज किया मॉडुलस ऑपरेटर, क्या कोई ऐसा तरीका है कि डिवाइड ऑपरेटर का भी यूज करें और ये बता दे, तो बिल्कुल है। कैसे होगा देखिए, ए को अगर 2 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें फिर 2 से, तो अगर ए आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा, बाकी सारी कंडीशन ऐसे ही रहेगी। बस यहां पे ए लिख दीजिए और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, बस इतना ही काम है। एफ टू करके सेव कर लीजिए, सेव कर लिया। अब ऑल्ट एफ नाइन करिए, ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब यहां से कंट्रोल एफ नाइन कीजिए ताकि ये रन हो जाए। अब यहां 7 देखते हैं, तो देखिए 7 को ऑड बता रहा है, लेकिन फिर इसको एक बार कंपाइल रन करवाते हैं। अब देखिए यहां पे दूसरी बार देखिए, इस बार क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं 13, तो 13 क्या है, ऑड है, तो ऑड बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है, सही है, ठीक है। फिर इसको कंपाइल रन करवाते हैं,
तो यहां से कंपाइल रन करवाया, तो अब देखिए इस बार मैं 4 लेता हूं, तो 4 को क्या बता रहा है, इवन बता रहा है, तो दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप कि दोनों में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुई होगी कि क्या कंफ्यूजन है दोनों में, और दोनों ही में आपको लगभग ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है ना।